Welcome to my Institute Gurukul classes. Let's start with concept. Concept is power. हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग, आई एम चंदन कुमार, वंस अगेन वेलकम टू यू। नाउ इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट सम क्वेश्चंस ऑफ ट्रिगो। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो दो नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, उस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाते हैं। सो देखिए, यहाँ पे दिया हुआ क्या है, 3 tan θ = 4 दिया हुआ है और पूछ रहा है का 3 sin θ + 2 cos θ upon 3 sin θ - 2 cos θ का वैल्यू क्या होगा, मान क्या होगा। तो ज़रा देखिए, पहले जो दिया हुआ है 3 tan θ = 4, इससे हम लोग वैल्यू फाइंड करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इसको लिख लेंगे नीचे 3 tan θ = 4। ठीक, तो हम लोग कह सकते हैं क्या tan θ और क्या हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे 4 upon 3। और tan θ का हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, सो देखिए, हम लोग tan θ और कहते हैं क्या होता है, लंब बटा आधार, क्या होता है, लंबटा आधार। ठीक, इसी को हम लोग लंबटा आधार, तो हमें चाहिए क्या, लंब और आधार दिया हुआ है तो क्या चाहिए, हमें कर्ण चाहिए, क्या चाहिए, कर्ण चाहिए। तो हम लोग जानते हैं क्या कर्ण बराबर क्या होता है, सो देखिए, तो हम लोग कहते हैं क्या, कर्ण बराबर से स्टेप चलते हैं, ठीक है ना। कर्ण बराबर फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर का रूट अंडर। तो लंब स्क्वायर तो कर देंगे 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, तो हमें कर्ण बराबर क्या मिल जाएगा जी, तो कह देंगे कर्ण बराबर 4 चौका 16, 16 9 25, यानी कि कर्ण बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हमने कहा कर्ण का वैल्यू मेरे पास 5 आ गया है। अब जरा क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या का वैल्यू पूछ रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है साइन और कॉस है, जैसे टेन का वैल्यू हम लोग निकाले उसी प्रकार से कॉस और साइन का निकाल लेंगे। यहाँ पर लिख दिए क्या हम लोग, साइन थीटा का वैल्यू और कॉस थीटा का वैल्यू। अब फार्मूला कहाँ से आएगा, तो ज़रा देखिए, एक हम लोग पढ़े थे बचपन में, क्या सॉरी बचपन कह रहे अपने क्लास में, लाल बटा कक्का, ठीक है, क्या पढ़े थे हम लोग पूरे क्लास के दौरान, हम लोग लाल बटे कक्का या इसी को हम लोग PVP upon HHV पढ़े हैं। तो फर्स्ट वाले क्या हम लोग नाम देते हैं, कहते हैं साइन थीटा है, ठीक है, सेकेंड वाले को हम लोग कहते हैं कॉस थीटा है, लास्ट वाले को कहते हैं हम लोग क्या, टेन थीटा है। साइन का उल्टा क्या होता है जी, CS θ, या इसी को हम लोग कहते हैं क्या, cosec θ। यह दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, CS θ बोले या cosec θ, अब आम हो गया है, दोनों क्या हो गया, बराबर। cos का उल्टा क्या होता है जी, तब बोलते हैं हम लोग क्या, sec θ, और tan का उल्टा क्या बोलते हैं हम लोग, cot θ। तो हमें चाहिए क्या, sin θ का ना, तो sin θ किसका होता है, लंब बटा कर्ण, यानी जरा देखिए, तो लंब क्या है इसमें जी, तो लंब 4 है, तो लंब 4, कर्ण कितना आ गया, 5 आ गया। अब cos θ क्या कर, आधार बटा कर्ण कह रहा है, तो आधार बटा कर्ण, आधार कितना है जी, 3 है, कर्ण कितना है, 5 है। अब सबका वैल्यू आ गया, अब इसको जरा हम लोग उतार लेते हैं, ठीक है, इसको नीचे कर लेते हैं, 3 sin θ + 2 cos θ upon 3 sin θ - 2 cos θ, क्लियर। अब जरा देखिए, साइन और कॉस का यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, सिर्फ वैल्यू रख देंगे, जो यहाँ पे वैल्यू निकाले हैं, जरा देखिए, यह साइन का वैल्यू है और यह कॉस का वैल्यू है, इसमें हम लोग क्या कर देंगे, पुट अप कर देंगे, तो साइन की जगह पे 4/5 लिख देंगे, 3 × 4/5 + 2 × 3/5, सबका बटा 3 × 4/5 - 2 × 3/5, इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 12/5 - 6/5, और टोटल का बटा फिर क्या हो जाएगा, 12/5 -
सिक्स अपॉन्ड, एक ऊपर वाला क्या है प्लस में है, प्लस में है, सिक्स अपॉन्ड क्या हो जाएगा फाइव हो जाएगा। अब दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, यही ना है। तो कहेंगे क्या है, एलसीएम आ जाएगा कितना, पाँच, बारह प्लस छः, फिर टोटल का बटा, फिर एलसीएम, बारह माइनस छः, इसी को हम लोग कह सकते हैं क्या, अठारह बटा पाँच, अब बटा छः बटा पाँच, पाँच पाँच कैंसिल आउट, छः तीन अठारह, तो क्या बचा जी, तो हम लोग बोले क्या टोटल का वैल्यू कितना बचा, तीन बचा। हमने क्या किया, सिर्फ बटा के बटा को काट दिया हमने, और कट के बचा क्या तीन। तो अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस तरह से सॉल्यूशन करेंगे, ठीक। अगर आपको कोई क्वेश्चन लगे कि हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आया है या अदर क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो हमारा यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और यहाँ पे क्वेश्चन भेज सकते हैं, आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। यह हमारा क्या है व्हाट्सअप नंबर है, या टेलीग्राम पे हमें जुड़ सकते हैं, मैथ वाई चंदन सर, या चंदन सर मैथ, या गुरुकुल क्लासेस से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। अगर किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट है तो इंस्टेंट वीडियो बना करके अपलोड कर दिया जाएगा। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, और अधिक से अधिक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर एक बच्चों के पास यह नोटिफिकेशन चला जाए, और अगर आप एक सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा और हौसला बुलंद होता है। तो आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोज़ में।